इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9 अक्टूबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और प्रतिदिन करेंट अफेयर कैसी और वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में GST परिषद की 92वीं बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। GST परिषद की 92वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर। प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी इंडियन एयर फोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। गोवा पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है और ये 3 नए ज़िले हैं सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन। इन 3 नए जिलों की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत कहाँ से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागपट्टिनम। नागपट्टिनम से भारत श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टिहरी। टिहरी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की जाएगी। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 स्वर्ण पदक। 19वें एशियन गेम्स में भारत ने कुल 28 स्वर्ण पदक हासिल किए। तो ये हुआ 9 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रतिदिन ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।